हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे देखेंगे एक ऑटोकैड का कमांड। बेसिकली एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए कमांड यूज़ किया जाता है। कभी कभी आप लोग कभी देखा है कि नया फाइल ओपन करना या फाइल को सेव करने जा रहा है, तो यहाँ पे आपका सारे चीज़ कमांड फॉर्म में आते हैं, कोई डायलॉग बॉक्स नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, फाइल मैंने ओपन करने जा रहा हूँ तो अभी कमेंट फॉर्म में पूछ रहा है मेरा फाइल का क्या नाम है, और उस नाम अगर दूंगा फिर फाइल का पाथ देना पड़ेगा, जाके फाइल ओपन होगा। तो सेम प्रॉब्लम होता है जब फाइल को सेव करने जाते हैं, तब भी वो फाइल का नाम मांग रहा है और फिर डायरेक्टली मांगता है और सारी चीज़ मांगता है कि कमेंट फॉर्म में। अचानक से हम लोगों का जो डायलॉग बॉक्स आता है वो डायलॉग बॉक्स फिर नहीं आ रहा है, जहाँ से हम लोग डायलॉग बॉक्स में नेविगेट करके सेव करते तो वो ऑप्शन गायब हो गया। तो बेसिकली ये कैसे होता है और इसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है, तो ऑटोकैड में बहुत तरह का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है, जो वैल्यू के वजह से ये अलग अलग सेटिंग अपीयर होता है। तो जो डायलॉग बॉक्स आपका गायब हो जाता है, उस डायलॉग बॉक्स को वापस लाने के लिए यहाँ पे जो कमेंट यूज़ करना पड़ता है उसका नाम फाइल डाया, FILEDIA, फाइल डाया एक वेरिएबल नाम है जो ऑटोकैड का वेरिएबल है, जिसको सेट करना पड़ता है दो वैल्यू से, या तो ज़ीरो या तो वन। तो फाइल डाया का वैल्यू अगर आपका वन होता है तो आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, फाइल डाया का वेरिएबल अगर जीरो सेट होता है तो आपका कमेंट फॉर्म में ये प्रॉम्प्ट करता है कि फाइल का नाम देना या सेव करने के लिए जो चाहिए वो आपका कमेंट फॉर्म में देता है, कोई डायलॉग बॉक्स नहीं आता है। तो अभी मैंने जैसे दिखाया रहा था कि मेरे यहाँ पे अगर फाइल ओपन करने जा रहा हूँ या फाइल को सेव करने जा रहा हूँ तो मेरा कमेंट फॉर्म पे आ रहा है, इसका मतलब मेरे ऑटोकैड में ये फाइल डाया वेरिएबल जरूर जीरो वैल्यू से डिफाइन किया गया है। तो आपको क्या करना है, फाइल डाया लिखना है, उसके बाद एंटर करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका फाइल डाया जो बाई डिफ़ॉल्ट ब्रैकेट में दिखा रहा है जीरो, मतलब अभी मेरा फाइल डाया का वैल्यू जीरो सेट है, इसीलिए नहीं आ रहा है। आपको इस जगह पे वन देना है, वन दे के आपको एंटर करना है और आपका फिर फाइल डाया का जो वैल्यू है वो हो गया वन वैल्यू। तो अभी अगर आप इसमें ओपन करने जा रहे हैं तो आपका डायलॉग बॉक्स फिर से अपीयरिंग होगा, सेम आप अगर सेव करने जा रहे हैं तो भी आपका सेम इस तरीके का आएगा। तो फिर मैं इस फाइल डाया को और एक बार जीरो करके आपको दिखाता हूँ, FILEDIA फाइल डाया, इसमें अगर आपका वैल्यू जीरो करते हैं आप तो आपका सारे चीज़ कमेंट फॉर्म में आएगा, ये देखिए कमेंट फॉर्म में आ रहा है और डायलॉग बॉक्स आपका नहीं आ रहा है। तो कभी भी आपका अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो आपको FILEDIA फाइल डाया कमेंट देना है और उसमें उसका वेरिएबल सेट करना है वन, तो फिर आपका फिर से डायलॉग बॉक्स अपीयर होने लगेगा। तो उम्मीद रखता हूँ ये आपको काफ़ी यूज़फुल कमेंट बताया गया है और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पासे रहे बेल का आइकन को दबा दीजिए, बल्कि मेरा नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, बाय।